हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ कैलेंडर। आज बच्चों जो हमने टॉपिक जो फुल डिटेल में करना है, दैट इज कैलेंडर। पहले मैं क्या करूँगा, आपको सिर्फ बेसिक्स क्लियर करूँगा आपके कि कैलेंडर कैसे वर्क करता है। आपका जो कुंडली सॉफ्टवेयर होता है, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन कैलेंडर चैप्टर, ठीक है। वो भी एक रीजनिंग का ही पार्ट है। बस आप लोग बैकएंड की कोडिंग अगर आप चेक करोगे, सेम चीज़ होती है। तो ठीक है, हमने आज डिटेल में कैलेंडर करना है। बेसिक पहले क्लियर करना, बेसिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तब ही आप आंसर्स दे सकते हो क्वेश्चंस के, राइट। चलो लेट्स सी बच्चों, बेसिक स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे है क्या, सबसे पहले जो बात होती है आपकी कैलेंडर में, वो ईयर्स के बारे में बात करते हैं, और वो है लीप ईयर। लीप ईयर होते कौन से हैं, अगर मैं आपको बोलूं फाइंड आउट इनमें से कौन कौन से ईयर्स लीप ईयर हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, अगर आपने लीप ईयर फाइंड करना है, लीप ईयर फाइंड करने के आपके दो वे होते हैं। दो वे हमने क्या करना है, इनमें से कैलकुलेट करके देखना है कि कौन कौन से लीप ईयर हैं कि नहीं। उससे क्या होगा, आपका डिटेल में चीजें क्लियर जो हैं हो पाएंगी। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज स्टार्ट कहाँ से करते हैं, चीज स्टार्ट करते हैं कि टू टाइप, देयर इज टू टाइप ऑफ ईयर्स। टू टाइप ऑफ ईयर्स कौन से होते हैं, एक ईयर्स होते हैं नॉर्मल वाले ईयर्स। ईयर्स को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ, एक है बच्चे नॉर्मल वाला ईयर, दूसरा है आपका जो आप लीप ईयर या समथिंग एल्स काउंट कर रहे हो, या फिर सेंचुरी ईयर वाला, सेंचुरी ईयर्स, ठीक है जी। तो आपके दो टाइप हुए, वन इज नॉर्मल ईयर्स। नॉर्मल ईयर्स कौन से होते हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1991, 1990, 1992 एंड सो ऑन दैट वे, ठीक है। एक यहाँ पे मैं बात करूँ सेंचुरी ईयर्स की, लाइक 2000वां साल, ठीक है जी। ये क्या है, 3000वां साल, 2100वीं शताब्दी, सेंचुरी, 1900वां साल, क्योंकि 1900वां भी तो एक साल कंप्लीट हुआ होगा, राइट। तो इस वे से जैसे 2000वां साल हमने देखा है, 2000वां साल भी तो कंप्लीट हुआ होगा। तो सेंचुरी क्या होता हैव टू, या मल्टीपल ऑफ हैव टू जीरोस एट लास्ट डिजिट्स, और मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 100, उनको सेंचुरी ईयर्स बोलते हैं, ठीक है जी। और ये हैं रिमेनिंग जो बच गए हैं सेंचुरी ईयर्स के अलावा, ठीक है। अब बात आती है लीप ईयर के ऊपर। अगर वो नॉर्मल ईयर हुए, मतलब सेंचुरी ईयर्स नहीं है, तब हम क्या करते हैं, वी शुड डिवाइड इट विद, वी शुड डिवाइड इट विद फोर ओनली। फिर बच्चों हमने क्या करना है, उसको सिर्फ चार से डिवाइड करके देखना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं। अगर वो चार से डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स इट इज ए लीप ईयर। अगर वो चार से डिवाइड नहीं होता है तो वो लीप ईयर नहीं होता। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है कि सेंचुरी ईयर्स। सेंचुरी ईयर्स कौन से होते हैं, सेंचुरी ईयर्स वो होते हैं जिनके लास्ट में 00 है, या मल्टीपल ऑफ 100 है, या लास्ट टू डिजिट जीरोज हैं। तो उनमें, उनके लिए रूल क्या कहता है कि वी शुड डिवाइड इट विद 400, नॉट फोर। मैं क्लियर कर देता हूं, नॉट फोर। फिर हमने 400 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो पूरा का पूरा साल आपका 400 से डिवाइड होता है, देन दैट मीन्स इट इज ए लीप ईयर, नहीं तो लीप ईयर नहीं होगा। लाइक
मैं यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल्स मैंने लिए हुए हैं कुछ, उनको यूज़ करके देखते हैं। देखो बच्चों, ये क्या है कि सेंचुरी ईयर्स है, ये क्या है नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल ईयर है, ये एक सेंचुरी ईयर्स है, सी फॉर सेंचुरी, ठीक है जी। दिस इज एन और दिस इज सी ले रहा हूँ मैं। अब इसको मैं 400 से डिवाइड करके देखना है, ये फोर 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 फोर, ये 400 से, राइट, दिस इज द वे। अब आप चेकआउट करोगे कि ये वाला आपका 400 से डिवाइड नहीं होता, दैट मीन्स सेंचुरी ईयर्स या लीप ईयर, सेंचुरी ईयर्स तो है बट लीप ईयर नहीं है। ये वाला भी 4 से डिवाइड नहीं होता, ये वाला भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, 1990 भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, राइट, 2 से हो जाता, 4 से नहीं हो रहा है। 1992 आपका क्या है, 4 से डिविजिबल है, तो ये क्या होगा, एक लीप ईयर होगा, सेंचुरी ईयर नहीं है बट लीप ईयर होगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है 2000 वा ईयर, 2000 वा साल, यहाँ पे क्या है, ये 400 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स कि ये लीप ईयर भी है और एक सेंचुरी ईयर्स भी है, इट इज बोथ। तो होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि लीप ईयर को किससे डिवाइड करना है, सॉरी लीप ईयर फाइंड कैसे करना है। मेथड दो है, नॉर्मल और आपका सेंचुरी ईयर। नॉर्मल को 4 से डिवाइड करना है, सेंचुरी ईयर को आपको 400 से डिवाइड करके चेक करना है। चलो जी, ये तो थी आपकी लीप ईयर और नॉट लीप ईयर की बातें। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपका यहाँ पे आता है, और वो कंसेप्ट है आपका, मैं बात करूँ यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि ओड डेज। पहले सीखते हैं बच्चों कि ओड डेज होता क्या है। ओड डेज, अपने मैं वीक्स की बात करूँ, अगर एक वीक में 7 डेज होते हैं, अगर मैं 7 डेज, यानी फिर दोबारा 7 डेज, फिर दोबारा 7 डेज, ऐसे ऐसे 7 का स्पैम आपका चलता रहता है, मतलब हर 7 दिन के बाद दोबारा 7 दिन का स्लोट आता है, फिर दोबारा 7 डेज का स्लोट आता है। तो उस स्लोट से एक्स्ट्रा जो डेज बच जाते हैं उनको ओड डेज का नाम दिया जाता है। लाइक मैं बोलता हूँ यहाँ पे जी, 18 डेज, 18 डेज में मैंने ओड डेज बताने हैं। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या होगा, 1 to 7, फिर 7 to 14, यहाँ तक कंप्लीट हुआ होगा, फिर 15, फिर 16, 17 और ये 18। अब बच्चों यहाँ तक का ये सर्कल कंप्लीट है 7 डेज का, राइट, फिर ये सर्कल कंप्लीट है आपका 7 डेज का। अब ये वाला सर्कल जो है 7 डेज का कंप्लीट नहीं हो पाया, दैट मीन्स इन्हीं को जो 7 डेज का सर्कल कंप्लीट नहीं करते डेज, उनको क्या बोलते हैं, ओड डेज। तो आप कह सकते हो 18 के अंदर 4 ओड डेज हैं, दिस इज ओड, ठीक है जी। एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट से मैं यहाँ पे अब एग्जांपल ले रहा हूँ आपका 25 का। लेट से इन 25 डेज वी हैव टू फाइंड ओड डेज। याद रखना, हम ओड डेज किसके अंदर फाइंड करते हैं, डेज के अंदर। अगर मैं बोलूं आप 100 सालों में ओड डेज बताओ, तो बच्चों आपको पहले क्या करना पड़ता है, उसको डेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, डेज का स्पैम बनाना पड़ता है। आप ईयर 7 ईयर 7 ईयर 7 ईयर ऐसे नहीं काउंट कर सकते, तो ये प्रॉब्लम है, ये आगे जाके डिस्कस करेंगे, सिंप्लीफाई भी करेंगे। चलो जी, 25 में क्या होगा बच्चों, एक 7 डेज का स्पैम पूरा होगा, दूसरा 14 डेज, तीसरा 21 डेज, अब 22, 23, 24, 25। तो बच्चों ये जो 4 दिन होंगे, ये 4 दिन क्या होंगे आपके, 4 ओड डेज होंगे, ठीक है जी। लेट्स सी, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ मैं अब 8 डेज का, ओनली 8 डेज। अगर मैं 8 डेज का लेता हूँ, तो एक सर्कल एक 7 का स्पैम पूरा होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे 8 तो जस्ट नेक्स्ट ही होगा ना, यानी यहाँ पे एक्स्ट्रा 7 इस स्पैम से, इससे एक्स्ट्रा आपके पास क्या आया, 1 1 ओड डेज। तो 8 के अंदर क्या होता है, 1 ओड डेज होते हैं, ठीक है जी। एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट से मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ 88 डेज का, ठीक है। अब देखो, आपने अगर छोटे नंबर हैं
वहां तक तो आप इजीली काउंट कर सकते हो कि कहाँ पे कितने ओड डेज होंगे, आगे पीछे जाके हर एक वे से आप लोग काउंट कर लोगे। बट अब लाइक 88 डेज है, अब 7777 बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर यही 300 दिन होते, 400 डेज होते, फिर और भी ज़्यादा टाइम लगता। तो उससे बचने के लिए मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, इन शॉर्ट 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा, देखो 1 पे गया, दिस इज 7, 1 18, 2 टाइम दिस इज 14, बचा क्या 4। अब बच्चों ये 12 यहाँ तक क्या हुआ होगा, ऐसे 7, नेक्स्ट 14, ऐसे ऐसे करके 12 टाइम्स आपके सर्कल पूरा हुआ होगा, और वहाँ पे एक्स्ट्रा आपके पास 4 दिन बचे होंगे ऐसे। तो इन 4 दिन को क्या बोलेंगे, ओड डेज। अब आपको फाइंड करने का मेथड पता लग गया होगा, आपने क्या करना है, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर पिक करना है। दैट मीन्स मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि आपको यहाँ पे वे क्या पता लगा है ओड डेज निकालने का। यहाँ पे बना रहा हूँ एक में कि ओड डेज इक्वल टू आपके होंगे नंबर ऑफ डेज डेज मॉडुलस डिवाइड बाय 4, और सॉरी 7 इक्वल टू, सिर्फ आपने रिमाइंडर पिक करना है यहाँ पे, वही क्या होगा आपका नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं। ठीक है, होपफुली एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा। एक तो मैंने अलग अलग एग्जांपल लेके भी आपको सिखा दिए हैं। अब ऑड डेज जब भी मैं निकालने की बात करूँ तो आप डेज को डायरेक्टली क्या करोगे, 7 से डिवाइड कर दोगे और रिमाइंडर पिक कर लोगे। तो दिस इज ए कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब जो ये ओड डेज है, अब इस ओड डेज में कुछ एक चीजें सीखने की हैं। पहली चीज सीखने की क्या आती है यहाँ पे कि ओड डेज वर्क कैसे करते हैं। पहले वीक्स की बात करते हैं, वीक वीकली देखते हैं ओड डेज। अब वीकली जो ओड डेज होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, वो 0 1 2 3 वही सब चलता है। क्योंकि अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर्स क्या क्या आ सकते हैं, रिमाइंडर्स क्या क्या होंगे, या तो 0 रिमाइंडर आएगा, या फिर 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। अगर 7 रिमाइंडर कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि वो दोबारा डिवाइड होकर 0 देगा, राइट। तो इन शॉर्ट आपके 7 से डिवाइड करने के बाद यही रिमाइंडर्स बच सकते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट डे अलॉट करते हैं, यानी फर्स्ट डे आप यहाँ पे, अब डेज आपने अलॉट कर देने हैं इनको। 0 के सामने लिखना है संडे, नेक्स्ट लिखना है मंडे, ट्यूसडे, नेक्स्ट बच्चों वेनसडे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी, थर्सडे, नेक्स्ट है फ्राइडे, और फाइनली सैटरडे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गए, हर एक डे को एक नंबर अलॉट कर दिया। वो नंबर क्या है, जब हम 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर जब निकालते हैं। ठीक है, इट इज वेरी यूजफुल, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है आपका। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली निकलेंगे आपके, राइट। अब इससे आगे देखते हैं बेटा, अब इससे आगे नेक्स्ट चीज आती है, ये क्या थे, वीकली ओड डेज। वीकली ओड डेज इससे आगे क्या आता है आपका यहाँ पे, अब मंथ्स के बारे में बात करते हैं, मंथली। मंथली ओड डेज, अगर मैं सबसे पहला मंथ बात करता हूँ, दिस इज जनवरी, देन फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 2 2 4 2 6 हो गए ना, 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड फाइनली दिसंबर। ठीक है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। देखो बच्चों यहाँ पे
अब ओड डेज किस वे से आपने डिजाइन करने हैं, हमें डेज का पता है और ओड डेज निकालने का मेथड पता है। यहाँ पे डेज होते हैं, जनवरी में डेज होते हैं 31, आप इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके आ क्या जाते हैं ओड डेज। यहाँ पे मैं रिमाइंडर पिक कर रहा हूँ तो 28 बचा क्या होगा, 3 ओड डेज, दिस इज ओड डेज, राइट। अब फेब, फेब का अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, या तो 28 डेज होंगे या फिर 29 डेज होंगे, हमें पता है लीप ईयर हुआ तो 29 होंगे, नॉन लीप ईयर हुआ तो 28 डेज होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 0, 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0, 29 को 7 से डिवाइड करने पे आएगा 1 ओड डेज। मार्च में 31 होते हैं, 7 से डिवाइड करोगे आप इट विल, तो 7, 7 से अगर आप मॉडुलस निकालते हो इसका इट विल कम्स आउट टू बी 3 अगेन, तो नेक्स्ट भाई 30 होता है, 7 से डिवाइड किया 2, नेक्स्ट होता 31, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर पिक किया 3, जून में होते हैं 30 ओड डेज बचा क्या 2, जुलाई में होते हैं 31, दिस इज अगेन 3। अब यहाँ पे भी 31, इन दोनों का ध्यान रखना है आपने, दोनों में 31 31 डेज होते हैं, तो दिस इज अगेन क्या रहेगा आपका 3, सितंबर में 30 तो 2 रहेगा, यहाँ पे 31 अगेन 3 रहेगा, ये 30 अगेन 2 एंड फाइनली 31 अगेन क्या रहेगा 3। तो बच्चों ये क्या है डेज और ये क्या है आपके ओड डेज, ठीक है जी। तो आपने दो चीजें यहाँ पे जो है फाइंड कर ली हैं कि मंथ में डेज कौन कौन से होते हैं और उनके अंदर ओड डेज कौन कौन से बनते हैं बाई डिवाइडिंग इट विथ 7 एंड टेकिंग द रिमाइंडर ओनली, राइट। हर बारी आपने रिमाइंडर पिक किया। चलो जी ये तो थी मंथली बेसिस की बात हो गई है आपकी, अब थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं इस चीज को, ईयरली बेसिस पे आते हैं। अगर ईयरली बेसिस की बात करें बच्चों तो यहाँ पे ईयर होते हैं दो टाइप के, एक होता है आपका नॉर्मल जो लीप ईयर नहीं है, एक होता है आपका लीप ईयर। अगर नॉर्मल ईयर की बात करूंगा 365 डेज होंगे ये, और इसको 7 से डिवाइड अगर मैं करता हूँ, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ तो 1 और डेज आएगा आपका, राइट। यहाँ पे होंगे 366 डेज और 2 रहेंगे आपके और डेज बाय डिवाइडिंग इट विथ 7 एंड टेकिंग द रिमाइंडर होंगे, ठीक है जी। तो दो बातें आपकी यहाँ पे क्लियर हो पाई कि नॉर्मल अगर ईयर आता है तो वहां पे एक होता है, लीप ईयर अगर आता है वहां पे 2 डेज होते हैं। अब बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है, थोड़ा सा इसको और अगर हम एक्सपेंड करते हैं, ये क्या था सिर्फ ईयरली बेसिस पे था, लेट से अब बात करते हैं सेंचुरी ईयर्स की, यानी सेंचुरीज की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपकी सेंचुरीज, ठीक है जी, मैं सेंचुरीज की बात कर रहा हूं अब यहां पे। फर्स्ट सेंचुरी बनती है 100 इयर्स, जो उस टाइम पे बनी होगी। 100 इयर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, इसके अंदर कुछ एक तो लीप ईयर होंगे, कुछ एक नॉन लीप ईयर होंगे। लीप ईयर कौन से होंगे, जैसे 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, या 20वां साल था, 24वां साल था, वो सब क्या थे, लीप ईयर थे। अब उनको काउंट करने के लिए कितने होंगे, तो मैं इसको 4 से अगर डिवाइड कर देता हूँ तो होंगे कितने, वो 25 जो है लीप ईयर होते हैं, बाकी 75 नॉन लीप ईयर होते हैं। जो नॉर्मल थिंकिंग आपकी अजम्पशंस यहाँ पे क्या रहती हैं, मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे आपकी अजम्पशंस क्या रहेंगी, दिस इज योर अजम्पशन, और मिस्टेक भी बताऊंगा यहाँ पे। अजम्पशंस क्या रहती हैं कि 25 ईयर्स जो रहेंगे वो लीप होंगे, प्लस 75 ईयर्स जो रहेंगे वो नॉर्मल होंगे, ये रहती है बच्चों आपकी अजम्पशंस। बट ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, उसका रीजन मैं बता देता हूँ आपको कि ये अजम्पशन आपकी गलत है। गलत होने का रीजन ये है बच्चों, जैसे ही 25वां, जैसे ही यहाँ पे 96 ईयर कंप्लीट होते हैं और उसमें आप 4 ईयर्स ऐड करते हो
तो आपके कितने हो जाते हैं, 100वां साल आ जाता है, 100वां साल। अब 100वें साल को 4 से डिवाइड नहीं करके देखना, 400 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। और जो 100वां साल है वो लीप ईयर नहीं होता, तो लीप ईयर 100 सालों में कितने रह जाते हैं, 24 ही रह जाते हैं, क्योंकि 100वां साल लीप ईयर नहीं होता है, उसको 400 से डिवाइड करके देखना होता है। तो अब बना क्या, पहली चीज बनी 100 ईयर्स। मैं अब रियल देखता हूँ कि रिजल्ट क्या रहा, दिस इज रिजल्ट आपका। अब रिजल्ट आपका क्या रहा है यहाँ पे कि दिस इज 25 की जगह पे मैं कर देता हूँ 24, और बचा क्या 76 ईयर्स। अब ये सब क्या है, ये सब बच्चों आपका नॉर्मल और लीप ईयर के बारे में बात हुई। ये क्या है आपके लीप ईयर नाउ, ये क्या है आपके नॉर्मल ईयर, ठीक है। अब एक लीप ईयर में 2 और डेज होते हैं, तो 24 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या आ गया, 48। एक में 1 होता है, 76 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू आ गया 76। तो ओड डेज इक्वल टू बच्चों क्या रहे, 48 प्लस 76, तो ये टोटल कितना हो गया, 124 डेज, ठीक है। अब मैं अगर ओड डेज की बच्चों बात करता हूँ, वो कभी भी मोर देन 7 या 6 हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप 7 से डिवाइड करोगे तो दोबारा से सर्कल स्टार्ट हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, इसी को 7 से ज्यादा कभी भी ओड डेज नहीं हो सकते, अगर आते हैं तो आपने क्या करना है, दोबारा से 7 से डिवाइड कर देना है। तो इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो बच्चों यहाँ पे आता है 5 ओड डेज, ठीक है। देखो किया क्या है यहाँ पे, 124 को मैंने 7 से डिवाइड किया और फाइनली रिमाइंडर क्या रहेगा आपका, 5, ठीक है। तो 5 ओड डेज बच्चों आपके रह गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक बातें आपकी क्लियर हुई होंगी, यह है सेंचुरी ईयर्स के बारे में बातें, राइट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हम सेंचुरी ईयर्स कर रहे थे, तो मेरी एक बात क्लियर हुई, 100 ईयर्स में आपके जो ओड डेज रहते हैं वो 5 रहते हैं। अगर मैं यहाँ पे 200 ईयर्स की बात करूं, 200 ईयर्स में जो ओड डेज रहेंगे बच्चों आपके वो क्या रहेंगे, इसको ना डिवाइड कर लेते हैं, 100 ईयर्स प्लस 100 ईयर्स, यानी कि 100 में 5, दूसरे 100 में 5, टोटल रहा 10, और 10 कभी भी आंसर नहीं हो सकता। आप इसको अगेन 7 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर पिक करोगे तो 3 ओड डेज आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट बारी आती है 300 ईयर्स की। आप 300 को दोबारा से 100 ईयर्स प्लस 100 ईयर्स प्लस 100 ईयर्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे 100 ईयर में 5 होता है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, टोटल रहा 15, 15 को 7 से डिवाइड किया, आ कितना गया, 1 ओड डेज, यही रहेगा बच्चों। अब यहाँ तक बात सही है, इससे आगे आता है 400। अगर मैं 400 ईयर्स की बात करता हूँ तो वो चीज़ क्या है आपकी, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, और यहाँ पे होता क्या है आपका, टोटल यहाँ पे 400 टोटल ईयर्स कंप्लीट होते हैं, यानी ये क्या है, एक लीप ईयर है। लीप ईयर होने की वजह से एक एक्स्ट्रा ओड डेज यहाँ पे होगा, राइट। तो भाई ये 5 हुआ, ये 5 हुआ, ये 5 हुआ, और ये 5 हुआ प्लस एक एक्स्ट्रा हुआ, क्योंकि 400 एक लीप ईयर है। तो मैं अलग से इंडिकेट भी कर देता हूँ इस चीज को, ये 1 एक्स्ट्रा क्यों आया, इस 400 की वजह से आया, क्योंकि 400 में आपके 2 और डेज होंगे, एक तो 400 वी वजह से, एक लीप ईयर की वजह से, तो वो एक एक्स्ट्रा 1 वहां पे है, और इट विल बिकम 21, 21 डिवाइड बाई 7, 0 ओड डेज, ठीक है। तो इस वे से बच्चों, इस वे से आपका ये काम बन जाता है कि आपको 100 से लेके 400 तक ही काउंट करने होते हैं, इसके बाद किसी भी सेंचुरी को किसी भी वे से आप पिक कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चेक कर लेते हैं अब इसमें और क्या बच्चों हो सकता है चेक करने के लिए। देखो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, लेट से मैंने 600 ईयर्स में निकालना है, तो 600 को बच्चों कैसे लिखेंगे, 600 ईयर्स को हम 500
प्लस 100। अब 500, सॉरी ठीक है जी, या फिर हम इसको दूसरे वे से लिख लेते हैं थोड़ा ब्रेक करके, और 500 को कैसे लिखते, 400 प्लस 100 प्लस 100। एक वे रहता है बच्चों ये ब्रेक करने का, राइट। इसको आप इस वे से जो है ब्रेक कर लो, या फिर एक वे ये रहता है इसको मैं डायरेक्ट 400 प्लस 200 में ब्रेक कर। अब यहाँ पे ओड डेज क्या थे, जीरो। यहाँ पे ओड डेज आप पीछे जाके देख सकते हो, यहाँ पे मैंने निकाल के दिखाया आपको 200 में कितने होते हैं, थ्री। तो इसमें कितने होंगे, थ्री। तो टोटल ओड डेज क्या रहे, थ्री होंगे। अब बात करते हैं 1800 सालों की, बात करते हैं 18 ईयर्स, 1800 ईयर्स की। तो इसको कैसे करोगे बच्चों, 1600 प्लस 200 कर लेते हैं, ये क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 400 प्लस 200, ठीक है जी। अब 400 में जीरो होते हैं, 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, तो रह कितना गया, 3 ओनली, ठीक है। तो इस वे से आंसर निकलता है, आपने क्या देखना होता है, 400 का सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल देखना होता है आसपास, राइट। लाइक मैं बोलूं 2500 साल का बता दो जी, 2500 के, तो आप क्या करोगे, 2400 प्लस 100 लोगे, यहाँ पे जीरो हुआ, यहाँ पे 5 हुआ, तो ओड डेज कितने रहे, 5, ठीक है बच्चों। तो होपफुली आपका यहाँ पे बेसिक जो है क्लियर हो चुका होगा। इस बेसिक को बार बार देखो, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो पे मूव करना। टिल देन बच्चों थैंक यू सो मच, नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ मिलते हैं और थोड़ा सा और बेसिक के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।